नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल पंप दिलाने, डीजल राशन कार्ड व नौकरी दिलाने के नाम पर 1,38,78,641 रुपए ठगी करने वाले दो अभियुक्तों मोहित कुमार गुप्ता और सुभद्रा नंद गुप्ता को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गुरुवार को बसंतपुर में घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर बदमाश ने की लूटपाट। घर में रखा जेवर लेकर हुआ फरार। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, तहरीर के आधार पर की जा रही है छानबीन, जल्द होगी अभियुक्त की गिरफ्तारी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद के प्रगतिशील किसानों को किया गया सम्मानित। कहा, चौधरी चरण सिंह किसानों के थे हितैषी। दो वांछित साथी चोरों हनुमान व पवन कुमार उर्फ सन्नी के घर पर बांसगांव थाने की पुलिस ने कुर्की का नोटिस किया चस्पा। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर पर जनपद स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। शासन की महत्वाकांक्षी योजना एवं परियोजनाओं को आम जनता तक सुगम और सरल तरीके से पहुँचाने पर हुई चर्चा। शंभुनाथ के घर में बालकेश नाम के व्यक्ति ने घुसकर चोरी करने का किया प्रयास। परिजनों के जागने पर चोर ने दो मंजिला छत से लगाया छलांग, हुआ गंभीर रूप से घायल। मामला पिपराइच थाना क्षेत्र का। सूचना मिलने पर पुलिस ने चोर को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। एसपी नॉर्थ ने कहा, अभी तक किसी पक्ष से नहीं प्राप्त हुई है तहरीर। तहरीर मिलने पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराओं के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी का किया गया आयोजन। सिबेश सिंह बने मिस्टर फ्रेशर, वहीं शिवानी जायसवाल बनी मिसेस फ्रेशर। मुख्य अतिथि श्रीमती अंशु सिंह, प्रबंधक एवं ब्लॉक प्रमुख खजनी ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शिक्षा संस्था में है महती भूमिका। गौ तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों दीपक सैनी व सूरज पाल के ऊपर गीडा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्याम देव बिंद ने दी जानकारी। ठंड को देखते हुए आपदा विभाग द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का किया जा रहा है वितरण। आपदा अधिकारी ने कहा, अभी तक 3,000 जरूरतमंदों में कंबल का किया जा चुका है वितरण। सभी तहसीलों को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कंबल वितरण करने के लिए दिया गया है निर्देश। किसान दिवस पर सपाइयों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, भूमि हदबंदी कानून को लागू करना उनके कार्यकाल की रही प्रमुख विशेषता। महात्मा गांधी कॉलेज में वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। बालक वर्ग में आयुष यादव तथा बालिका वर्ग में करिश्मा चौहान बनी ओवरऑल चैंपियन। कहा, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है बहुत जरूरी। ट्रैफिक व्यवस्था को सकुशल बनाने के लिए त्रिनेत्र अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सीओ ट्रैफिक की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। ने कहा, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाने के लिए जनमानस को करें जागरूक। और 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य रहे सैयद अली शहीद के निधन पर राष्ट्रबंधन समिति ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, देश की हॉकी के मजबूत स्तंभ रहे लेफ्ट विंगर फॉरवर्ड सैयद अली शहीद। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल पंप दिलाने व नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो अभियुक्तों को शाहपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोहित कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय कृष्णानंद गुप्ता निवासी मकान नंबर 38 सी मोहल्ला नया गांव नंदानगर पोस्टकूड़ा घाट थाना शाहपुर गोरखपुर, दूसरी सुभद्रा नंद गुप्ता पत्नी स्वर्गीय कृष्णानंद गुप्ता निवासी मकान नंबर 38 सी मोहल्ला नया गांव
नंदा नगर पोस्टकुड़ा घाट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त मोहित गुप्ता की शादी जिला बिजनौर में हुआ था। अपनी पत्नी के संबंधियों से संबंध बनाकर पेट्रोल पंप, डिजिटल राशन कार्ड व नौकरी दिलाने के नाम पर बेईमानी के आशय से छल करके वादी को पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 64 लाख रुपया, वादी को डिजिटल राशन कार्ड एजेंसी दिलाने के नाम पर लगभग 66,25,191 रुपए, वादी को नौकरी दिलाने के नाम पर 8,53,450 रुपए सहित कुल 1,38,78,641 रुपए ठग लिया था। किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं हुआ, मांगने पर रुपया वापस नहीं किया तथा जान से मारने की धमकी दे रहा था। उक्त तीनों प्रकरण में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा थाना शाहपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में असुरन चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद साहनी, हरहवा फाटक चौकी प्रभारी महेश कुमार, महिला कांस्टेबल बबीता पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर को एक अच्छी सफलता मिली है। उसमें उन्होंने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों से पेट्रोल पंप की एजेंसी दिलाने या नौकरी दिलाने या फिर राशन कार्ड की, डिजिटल राशन कार्ड की एजेंसी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए आए थे। उन्होंने कुल 1,38,75,000 रुपए की ठगी की है। ऐसे दो अभियुक्त मोहित गुप्ता और उसकी माता सुभद्रा गुप्ता दोनों को गिरफ्तार किया है और इनके साथी आजमगढ़ एवं बागपत के भी रहने वाले हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इनके खिलाफ 3 मुकदमे थाना शाहपुर पर पंजीकृत किए गए हैं और इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर मोहल्ले में गुरुवार को बीना देवी नाम की महिला को घर में अकेला जानकर बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर चौकी क्षेत्र में गुरुवार को दोपहर में पुलिस को सूचना मिली कि बीना देवी नाम की महिला, जो कि अपने आवास में रहती है, उनकी बेटी जब बाहर सामान खरीदने गई तो एक व्यक्ति ने लेखपाल का नाम लेकर आवास में घुसा और महिला के साथ मारपीट की, घर में रखे जेवर को लूट कर चला गया, जिसकी तहरीर राजघाट पुलिस को प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसमें प्रॉपर्टी की भी बात हो सकती है या घर में घुसकर चोरी करना, लूट करने में भी पुलिस जांच कर रही है। जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। इस अवसर पर राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, सर कल राजघाट थाना क्षेत्र परिवार को मारने पीटने का प्रयास किया, सर क्या मामला है? जनपद गोरखपुर में राजघाट थाना के बसंतपुर चौकी क्षेत्र में कल एक दोपहर में 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला बीना देवी, जो अपने आवास में रहती हैं, उनकी बेटी बाहर सामान खरीदने गई, तब एक व्यक्ति जिसने एक लेखपाल का नाम लेके वो व्यक्ति आवास में घुसा और उसके साथ मारपीट की और घर में रखे जेवर लेके चला गया। इस तरह की तहरीर प्राप्त हुई है। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की है और सभी एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी का मसला भी हो सकता है या फिर वास्तव में घर में घुस के चोरी करना या लूट करने का भी मसला हो। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है एवं आवश्यक कार्रवाई कर आज शाम तक या फिर जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर एनेक्सी भवन के सभागार में पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने जनपद में अच्छी खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया, जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और किसानों के बहुत हितैषी थे। उनकी जयंती के अवसर पर जनपद के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी देश में 75% आबादी गांव में रहती है और खेती करके जीवन यापन करती है। गांव में हमारा कैसे समृद्ध हो और उनकी आर्थिक स्थिति सही हो और किस तरह से वह मुख्य धारा से जुड़े, केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसानों की आय दुगनी और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए किसान सम्मान निधि भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से देश के किसानों में किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में जाता है,
जिससे किसान को खेती करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, देसी गाय के गोबर को किस खेती के लिए प्रयोग किया जाता है? जब हमने अपने परंपरा को छोड़ा, उत्पादन बढ़ाया, परंपरा को छोड़ा, तो उसके साथ साथ जो हमारी 75% जनता जो है गांव में रहता है, नाई भैंस में है, दूध में है, मांस में, तब हो रहा है कि हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की प्राथमिकता हमारे देश में सुनिश्चित करना कि सभी को दूध मिले, तो उसके लिए ऑपरेशन खर्च चलाया गया। और उस समय का उत्पादन बहुत कम था, आधा लीटर, एक लीटर, डेढ़ लीटर था, उसके लिए उत्पादन अधिक होता है। जैसे अगर कोई एक विदेशी नस्ल है और इंडियन है, उनका 10.5 लीटर का उसका उत्पादन होगा। तो इस तरह से हमने जब हमारे यहाँ चला ना फीडिंग पॉलिसी, आपने सत्तर परिणाम आया, उसका परिणाम ये आया कि जो हमारी देसी नस्लें हैं हम उनका समर्थन नहीं कर पाए, और उनको हमको ध्यान चल रहा है कि हमें हमारी जो देसी गोबर है उन्होंने भी 2000 लीटर 4000 लीटर दूध देने की क्षमता है, आज उनका समर्थन। सिंचाई में जल बचाव के लिए तो ये 2018 वाले एक प्रश्न है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और किसानों के बहुत ही हितैषी थे, किसान नेता थे वो। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। उनके जयंती के अवसर पर जो है किसानों को उनके कार्य कुशलता के कारण जिस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा कार्य किया है उस क्षेत्र में उन्हें जो है आज यहाँ पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर पुरस्कृत करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार लगातार किसानों को देखिए, हमारे किसानों की 75% आबादी गांव में रहती है, और गांव में हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति सही हो, किस तरह से वो मुख्य धारा में जुड़े, उसका सम्मान बढ़े, और इस क्रम में हमारी सदैव केंद्र और प्रदेश की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, किस तरह से उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, इस दृष्टिकोण से किसान सम्मान निधि की जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है, मैं समझता हूँ कि किसानों को इस तरह की जो पीएम किसान जो योजना जो उन्होंने लॉन्च की थी, एक बहुत बड़ा ही मील का पत्थर साबित हुई है किसानों के लिए। जो है जब उन्हें अपने खेती के योग्य जब होती है, काम करने का जब समय आता है, तो पैसे का अभाव होता है, ऐसे समय में यह पीएम किसान सम्मान निधि जो है किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा जो प्रधानमंत्री के जी के द्वारा जो योजना चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी योजना है, और सदैव ये सरकार किसानों के हित के लिए संघर्षशील है और किसानों के हित के लिए सदैव सोचने वाली ये सरकार कार्य करती है। और उसी दृष्टिकोण से किसान कैसे उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करें, उनका उत्साह वर्धन हो, उसके लिए उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित करने का ये कार्यक्रम रखा गया है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर। बांसगांव थाने की पुलिस ने दो वांछित चोरों के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी विज्ञानकर सिंह ने बताया कि दो शातिर चोर जो कि वांछित चल रहे हैं, कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है, जिनकी पहचान हनुमान पुत्र मुलहू बेलदार निवासी ग्राम डडवा रामचंदर उर्फ अंधपुरवा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा पवन कुमार उर्फ सन्नी पुत्र राम प्रकाश निवासी बसौली खुर्द थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्त शातिर चोर हैं, जिनके ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज है, जो कि फरार चल रहे हैं, जिनके मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। इस अवसर पर हरनही चौकी प्रभारी राम सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मलहू का लड़का है ना, हाँ, उनके घर का जवान ने खाया आदेश चपका दिया, यही घर का कुर्की होखे वाली है।
हनुमान मंदिर में सर जी कैसे आ नहीं रहे हम ना जानता थी कमात रहा हम हो तो मैंने गोरखपुर की ऐसा इच्छा आप लोग हमार कौन इच्छा बाबा जो कोर्ट कही तो कानून कही तो नहीं हमारे इच्छा थोड़ी चले हम कुछ ना जाए। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर पर जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के सभागार में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईएएस प्रमोद कुमार पांडे ने जिला स्तरीय अधिकारियों को शासन द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजना एवं परियोजनाओं को आम जनता तक कैसे सुगम और सरल तरीके से पहुँचाया जाए इस संबंध में कार्यशाला आयोजन किया गया। बैठक में सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर नेहा बंधु, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएमई पुरुषोत्तम दास गुप्ता, सीआरओ सुशील कुमार गौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखने के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चौंकी विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 4.5 वर्षों में गोरखपुर के शहरी एवं ग्रामीण विकास कार्य हेतु 17,800 करोड़ से भी अधिक की धनराशि का आवंटन विभिन्न योजनाओं को अंजाम देने के लिए किया है। अब तक 724 परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है एवं माह दिसंबर 2021 तक 613 अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण पूर्ण हो चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स की स्थापना गोरखपुर एवं अन्य पूर्वांचल के जिलों के लिए वरदान है। इसके अतिरिक्त बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में अब अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। तथा कोविड वार्ड ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों को अपनी चपेट में लेने वाले अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी मस्तिष्क ज्वर के त्वरित और उचित इलाज की व्यवस्था की जा चुकी है। धनराशि एवं महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पर 267 करोड़ 51 लाख, एम्स पर 1,011 करोड़, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षा एवं छात्रावास का विशेष ध्यान रखा गया है। उचित जल निकासी और साफ सफाई की उचित व्यवस्था के साथ ही 898 करोड़ ये बहुत कई कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे एक है 38 वर्ष के थे और इनको मौत का कैंसर हो गया था, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है इसका फ्री इलाज करवाया। कई जगह ये इलाज करवा करके परेशान हो चुके थे, वापस काफी फ्री जो है मतलब जिनका ऑपरेशन करवा दिया गया था। ऐसी ही एक स्टोरी सर जो है हम टीवी के लिए बताते हैं कि 22 लाख के बचे रहे और थोड़ा सा टीवी के इलाज में भी होता है कि जैसे दवा खाता है उसका बुखार वगैरह हो जाता है बंद और वो दवाई बंद कर देते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं और शहर के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा टीकाकरण करवाते हैं। लेकिन जब अभी सर्वे के बाद इसका आंकड़ा जो फेल हो गया और शहरों में टीम दिया और वहाँ पर जो है बच्चे जैसे आते हैं वो खेलते हैं या जो हमको वेटिंग एरिया जो मिलती है जो हमारा हॉस्पिटल बड़ा बदनाम होता है कि वहाँ पे लाइन लगी। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सर डॉक्टरों की संख्या की। अगर जो पूरे उत्तर प्रदेश की हम जनसंख्या के बारे में तो इसके अनुसार से लगभग 72,000 डॉक्टरों की आवश्यकता है। तो इस चीज से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक डेली कंसल्टेशन शुरू किया जो गाँव गाँव में जो है हमारे CHO हर जगह के डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एक फोटोग्राफी लगाया गया हमारे CMO साहब मौका निकाल करके जो है। थाना क्षेत्र के मंगलपुरा में गुरुवार की रात शंभुनाथ के घर में बालकेश नाम के व्यक्ति ने घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि शंभुनाथ पुत्र मिठाई लाल निवासी मंगलपुरा कुलहोना ने आरोप लगाया कि बालकेश नाम का व्यक्ति मेरे घर में घुसा था, जब पकड़ने का प्रयास किया तो वह 2 मंजिला छत से कूद गया जिससे गंभीर चोटें आईं, जिस पर शंभुनाथ ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाकर आरोपी को मेडिकल भिजवाया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर आरोपी ने बताया कि वह बस से गिरकर चोटिल हुआ, जबकि वादी शंभुनाथ का कहना है कि अभियुक्त घर में चोरी करने के लिए घुसा था।
लेकिन जब हम लोगों को पता चला तो पकड़ने का प्रयास किया, तब वह दो मंजिला छत से कूद गया। मामला संदिग्ध मालूम पड़ता है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है। युवक के द्वारा भागने के लिए दो मंजिला भवन से छलांग लगाया गया, जिसमें युवक घायल हो गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। आगे तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, चोट लगी है, कैसे गिरे हो? बस से ये लो तो कह रहे। क्या नाम है तुम्हारा? बालकेश। कहाँ के रहने वाले हो? और रहिया कहाँ पे? टोला। तो तुमको ये लो तो कह रहे हैं तुम चोर हो? नहीं सर, चोर नहीं है, चोरी में लगा दिया गया। अच्छा, वो तो सर चोरी में लगा दिया गया। ये चोर नहीं है तो ये लोग कैसे पकड़ के लाए हैं तुम? कैसे आ गया हमारे घर? 3 किलोमीटर दूरी पर चला गया। हमारा घर कहाँ? तुम्हारा घर कहाँ? और यहाँ कैसे, क्या हुआ? क्या हुआ आप बताइए, अपना नाम बताइए। सर हमारा सर बोला ना सर। ये प्रकरण संज्ञान में आया है, लेकिन अभी किसी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर ये भी बताया छत पर से पैर में चोट लगी है? हाँ, उसका संभवतः इलाज चल रहा है। अभी किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर के बाद ही फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल पंप दिलाने, डीजल राशन कार्ड व नौकरी दिलाने के नाम पर 1,38,78,641 रुपए ठगी करने वाले दो अभियुक्तों मोहित कुमार गुप्ता और सुभद्रा नंद गुप्ता को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गुरुवार को बसंतपुर में घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर बदमाश ने की लूटपाट। घर में रखा जेवर लेकर हुआ फरार। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, तहरीर के आधार पर की जा रही है छानबीन, जल्द होगी अभियुक्त की गिरफ्तारी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद के प्रगतिशील किसानों को किया गया सम्मानित। कहा, चौधरी चरण सिंह किसानों के थे हितैषी। दो वांछित साथी चोरों हनुमान व पवन कुमार उर्फ सन्नी के घर पर बांसगांव थाने की पुलिस ने कुर्की का नोटिस किया चस्पा, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर पर जनपद स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। शासन की महत्वाकांक्षी योजना एवं परियोजनाओं को आम जनता तक सुगम और सरल तरीके से पहुँचाने पर हुई चर्चा। शंभुनाथ के घर में बालकेश नाम के व्यक्ति ने घुसकर चोरी करने का किया प्रयास। परिजनों के जागने पर चोर ने दो मंजिला छत से लगाया छलांग, हुआ गंभीर रूप से घायल। मामला पिपराइच थाना क्षेत्र का। सूचना मिलने पर पुलिस ने चोर को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। एसपी नॉर्थ ने कहा, अभी तक किसी पक्ष से नहीं प्राप्त हुई है तहरीर, तहरीर मिलने पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराओ के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी का किया गया आयोजन। सिबेश सिंह बने मिस्टर फ्रेशर, वहीं शिवानी जायसवाल बनी मिसेस फ्रेशर। मुख्य अतिथि श्रीमती अंशु सिंह, प्रबंधक एवं ब्लॉक प्रमुख खजनी ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शिक्षण संस्था में है महती भूमिका। गौ तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों दीपक सैनी व सूरज पाल के ऊपर गीडा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्याम देव बिंद ने दी जानकारी। ठंड को देखते हुए आपदा विभाग द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का किया जा रहा है वितरण। आपदा अधिकारी ने कहा, अभी तक 3,000 जरूरतमंदों में कंबल का किया जा चुका है वितरण। सभी तहसीलों को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कंबल वितरण करने के लिए दिया गया है निर्देश। किसान
संविधान दिवस पर सपाइयों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, भूमि हदबंदी कानून को लागू करना उनके कार्यकाल की रही प्रमुख विशेषता। महात्मा गांधी कॉलेज में वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। बालक वर्ग में आयुष यादव तथा बालिका वर्ग में करिश्मा चौहान बनी ओवरऑल चैंपियन। कहा, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है बहुत जरूरी। ट्रैफिक व्यवस्था को सकुशल बनाने के लिए त्रिनेत अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सीओ ट्रैफिक की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। ने कहा, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाने के लिए जनमानस को करें जागरूक। और 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य रहे सैयद अली शहीद के निधन पर राष्ट्रवंदन समिति ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, देश की हॉकी के मजबूत स्तंभ रहे लेफ्ट विंगर फॉरवर्ड सैयद अली शहीद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराव गोरखपुर में बीएड विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं द्वारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती अंशु सिंह प्रबंधक एवं ब्लॉक प्रमुख खजनी द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अंशु सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे व्यक्ति पूजा जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शिक्षण संस्था में महती भूमिका है, जिससे छात्र छात्राओं को सीखने एवं चरित्र निर्माण गति प्रदान होती है। गुणों का विकास सीखने तथा क्रिया करने से ही होता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि हरिकेश राम त्रिपाठी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षण संस्था में व्यक्तित्व विकास के लिए सांस्कृतिक बौद्धिक एवं शारीरिक गतिविधियों का होना जरूरी है। यहाँ छात्र छात्राओं को सांस्कृतिक प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। इस अवसर पर डॉक्टर केपी चौरसिया प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं अध्यापकों के बीच समरसता का भाव होना आवश्यक है। आपसी संबंध होने से ही एक दूसरे के गुण आदान प्रदान करके अनुकरण में सुविधा प्रदान होती है तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस अवसर पर सरस्वती वंदना रवि प्रकाश चटेरा व स्वागत गीत सत्यम तिवारी ने किया। गीत आकांक्षा, उपासना नीलू तथा डांस वंदना निधि सोनी, काजल सिंह, अंजलि, रीता, शिवानी जायसवाल, पीयूष जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो बहुत ही मनमोहक रहा। इस कार्यक्रम के फ्रेशर सिबेश सिंह तथा मिसेस फ्रेशर शिवानी जायसवाल रही। कार्यक्रम का संचालन वंदना एवं आकांक्षा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मणिराम, प्रेम शंकर देवपुरा, रवि, सत्यम, अश्विनी कुमार, शालू सिंह, वंदना, कविता, परसोनी, निधि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस अवसर पर संस्था के प्राध्यापक दुर्गा शंकर शुक्ल, अरुण कुमार सिंह, श्री नारायण त्रिपाठी, संजय चौरसिया, शैलेंद्र कुमार राजन, डॉक्टर पुष्पा पांडे, पुष्पा मिश्रा, अरुण कुमार नायक, यूसुफ आजाद, रविन्द्र गुप्ता, गणेश श्रीवास्तव, अर्पित सिंह बघेल, विश्वनाथ, धीरेन्द्र मौर्य आदि लोग उपस्थित थे तथा बीएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहीं। सभी अध्यापक और बीएड विभाग के सभी अध्यापक तथा बीएड बीकॉम जो भी हमारे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा प्यारे बच्चों, शिक्षा से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। शिक्षा से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ मैं चाहती हूँ इस विद्यालय में जो भी बच्चे हैं ये शिक्षा के साथ साथ समझ सकते हैं। गीडा थाने की पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने बताया कि गीडा थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान दीपक सैनी पुत्र झिनमुन सैनी निवासी रामगढ़ खास थाना छावनी जनपद बस्ती, दूसरा सूरज पाल पुत्र लखन पाल निवासी कुलहू थाना हरया जनपद बस्ती के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि गैंग लीडर दीपक सैनी उपरोक्त है, जो अपनी गैंग के
सदस्य के सासू संगठित अपराधी गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराध करता है। इस गैंग के लीडर व सदस्यों पर आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में आज गीडा पुलिस द्वारा दो साथी पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें गैंग लीडर दीपक सैना व उसका साथी सूरज पाल है। आपदा विभाग द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा जरूरतमंदों में कंबल वितरण के लिए 10,000 कंबल प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि ठंड को देखते हुए सभी तहसीलों को कंबल उपलब्ध करवा दिया गया है कि जो निर्बल असहाय या जो भी पात्र व्यक्ति है उसको जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंबल वितरण किया जाए। अभी तक 3,000 जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया जा चुका है, अभी भी वितरण का कार्य जारी है। जहाँ कहीं भी कंबल की आवश्यकता होगी वहां कंबल की आपूर्ति कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। माननीय शासन के निर्देश पर जनपद को कंबल प्राप्त हो गए हैं और सभी तहसीलों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्बल असहाय और पात्र व्यक्ति हैं उनको माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में तत्काल उसका वितरण कराना सुनिश्चित करें। अब तक लगभग 3,000 से अधिक कंबल का वितरण किया जा चुका है। जनपद में 10,000 कंबल उपलब्ध हैं सभी तहसीलों में और एक दो दिन में इनको वितरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कहीं से कोई और डिमांड होगी और आवश्यकता होगी तो तत्काल कंबलों की आपूर्ति कर दी जाएगी। किसानों की समृद्धि के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यकर्ताओं द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। गाँव, गरीब और किसान के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले चौधरी चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान व सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। किसानों के हित में उनकी कोशिशों की सदैव सराहना हुई। उन्होंने कहा कि भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की व्यक्तिगत छवि एक ऐसे देहाती पुरुष की थी जो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। भूमि हदबंदी कानून को लागू करना उनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषता है। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, अखिलेश यादव, फिरंगी प्रसाद, राजेश सिंह, मिर्जा कदीर बेग, जयप्रकाश यादव, रूपावती बेलदार, राम लखन पासवान, सुमन पासवान, संजय पहलवान, सिंहासन यादव, कुंवर प्रताप सिंह, श्यामदेव निषाद, कबीर आलम, रामजतन यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू राम नारायण विद्रोही, मैना भाई, बिंदा देवी, रामनाथ यादव, गिरीश यादव, अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, आज किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उसी को आज समाजवादी पार्टी किसान दिवस के रूप में मना रही है। हम समाजवादी लोग आज उनके जन्मदिन पर जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, किसानों की आय दोगुनी करने वाली पार्टी आज किसानों को बर्बाद करने पर उतारू है। जब उनकी बुआई का समय था तो फर्टिलाइजर नहीं था, सिंचाई के समय डीजल महंगा है और यहाँ तक कि अब फर्टिलाइजर लेने जाइए तो उनसे कहा जा रहा है कि केमिकल दिया जा रहा है कि जब वो लेंगे तभी आपको दिया जाएगा फर्टिलाइजर। इस तरीके से सरकार सिर्फ व्यापार पर उतारू है, किसानों का नुकसान हो रहा है। हम उस चरण सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रशिया से लौट कर आए थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में हिंदुस्तान में प्रयास किया था। मात्र एक नेता थे चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट खेती का विरोध किया था।
इसलिए आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि समाजवादी पार्टी किसानों के बीच में जाकर और भारतीय जनता पार्टी का फोल खोलते हुए किसानों के हित का हम काम करेंगे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में क्या कहना, उनके बारे में घंटों कहिए कम है, लेकिन आज हम किसान जो आज अपनी जुबान से बोल रहे हैं या जो अपनी जमीन का मालिक बने हुए हैं, उसकी देन चौधरी चरण सिंह साहब की है। महात्मा गांधी कॉलेज में वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 22 प्रतिस्पर्धा हुई जो दो वर्गों में बालक तथा बालिका में विभाजित थी। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के 450 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। क्रीडा प्रतियोगिता में बालक वर्ग में आयुष यादव तथा बालिका वर्ग में करिश्मा चौहान को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। हाई जंप और भाला फेंक प्रतियोगिता आयोजित हुई। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा सील्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिसके संबंध में पवित्रा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्याम कुमार सिंह ने बताया कि संस्थाओं में इस प्रकार के आयोजन से छात्रों में प्रतिस्पर्धा गुण बना रहता है और प्रतिस्पर्धा का गुण रहने से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। जीवन में प्रतिभाग महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रतिभाग नहीं करेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए खेल आवश्यक है। खेल से मानसिक व शारीरिक में वृद्धि प्राप्त होती है। खेल में हार को स्वीकार कर लेने की सीख मिलती है, जिससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। इस अवसर पर प्रोफेसर एस के श्रीवास्तव, प्रोफेसर अवनीश, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सी पी सिंह, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव सहित शिक्षा कर्मचारी छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पवित्रा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्याम कुमार सिंह ने कहा, ध्वनि से स्वागत करें अपने विशिष्ट अतिथि का। आज की इस क्लोजिंग सेरेमनी में सर ठाकुर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह अजय जी आपको इसको एक फ्रेम में, श्रुति पांडे कंसोलेशन में है, दिव्या भारती फर्स्ट है, अर्पिता सोनी सेकंड, गर्ल्स प्रियंका वर्मा, एकता शर्मा थर्ड है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के विज्ञान वर्ग में सर्वोच्च स्थान रखने वाले इस महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में आज द्विदिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें देख करके बच्चों की प्रतिस्पर्धा क्रीड़ा की देख करके अच्छा लगा और उनका सामंजस्य आपस में बहुत अच्छा था और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे सर और बच्चों में खेल के माध्यम से? खेल के माध्यम से संदेश ये होना चाहिए बच्चों के पास कि आज के इस परिस्थितियों में बच्चों को भी पढ़ाई से लेकर के तनाव तो है, ये तनाव के साथ साथ मानसिक
तनाव से दूर रखने के लिए, शारीरिक स्फूर्ति और स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद आवश्यक है, और खेल कूद में प्रतियोगिता जो होनी चाहिए, और जो विनर हैं उनको तो हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन है, जो रनर हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगली बार वो विनर की कैटेगरी में आएं। ट्रैफिक व्यवस्था को और सकुशल बनाने के लिए तथा एडीजी अखिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे त्रिनेत्र अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सभी थानों के पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक की गई। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह के द्वारा बताया गया कि अगर आप सभी ईमानदारी से काम करते हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्माण कर पाओगे या थाने का कोई भी कार्य हो वह पूरा कर पाएंगे, और सभी को समय को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी करना चाहिए। उन्होंने सभी महिला कांस्टेबल तथा पुरुष कांस्टेबल को हिदायत दिया कि सभी लोग दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं और जनमानस को भी जागरूक करें। इस अवसर पर पीएसआई मनोज कुमार राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। तो ऐसे में अपने जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आपका जीवन रहेगा तभी अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाओगे या थाने का कोई कार्य है वो कर पाएंगे। ज्यादातर हमने देखा कि बहुत सारे, मैं काफी एक लंबे समय तक राजकीय रेलवे पुलिस में विभिन्न थानों में इंस्पेक्टर रहा, और उस अवधि में मैं देखा कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी हुआ करते थे जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के रैंक के थे, और पोस्टिंग बनारस में है, कोई परिवार लेके इलाहाबाद में रहता था, कोई अपना कहीं रहता था, कोई मुगल सराय में रहता था, कोई कहीं रहता था। जब स्कोर्ट का ट्रेन का टाइम होता था, ड्यूटी का टाइम होता था, तो जल्दबाजी में भाग के ट्रेन पकड़ते थे, अपने प्राइवेट साधनों से भागते थे, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, बाइक से। तमाम ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि जल्दबाजी में ट्रेन पर प्लेटफॉर्म से चढ़ने में लोगों के पैर फिसल गए, गिरगिट कट गए और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा देखो, एक चाहे जितने बड़े पद पे कोई अधिकारी हो, मैं कांस्टेबल से लेके और डीजीपी तक की बात कर रहा हूं, किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते कि होता है किसी के पास। पर अपने काम पर जहां आपका कार्यस्थल है वहां पहुंचने के लिए अगर समय से हम निकल जाते हैं तो हम तनाव रहित होकर। राष्ट्रीय बंधन समिति के तत्वावधान में 1964 टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के सदस्य रहे सैयद अली सईद साहब की सिविल लाइन स्थित एक निजी लॉन में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके संबंध में संस्था के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि देश की हॉकी के मजबूत स्तंभ रहे सैयद अली सईद 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के अहम सदस्य थे। वे फॉरवर्ड के बेहतरीन लेफ्ट विंगर खिलाड़ी थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सैयद अली शहीद जिले के अकेले खिलाड़ी थे। टोक्यो ओलंपिक 1964 की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे सैयद अली शहीद का सोमवार की रात एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 82 वर्ष के अली शहीद लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार विगत मंगलवार को किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 3 वर्ष पहले अली साहब को उनके घर जाकर राष्ट्रबंधन समिति के सदस्यों ने स्वर्गीय जगत नारायण त्रिपाठी पूर्वांचल गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय बंधन समिति के अध्यक्ष विजय खेमका, इंजीनियर सतीश सिंह, विनीता पांडे, माया गुप्ता, रागनी श्रीवास्तव, रीता शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव, रूप रानी, मनोज गौड़, अमित दत्त पांडे, राहुल गुप्ता, उपासना श्रीवास्तव, अनुराग खेमका, दीपक मौर्य, लक्ष्मी गुप्ता, संगीता मदेशिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय बंधन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हो गए।
राज्य राष्ट्रवंदन समिति ने जो सदैव से ऐसे लोगों को सम्मानित करने का कार्य करती है जिसने देश समाज के लिए कुछ ना कुछ अग्रणी भूमिका निभाते हुए कार्य किया हो। ऐसे गोरखपुर में रहने वाले 1964 टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो टीम थी भारतीय हॉकी टीम उसके हिस्सा रहे श्री अली सईद साहब का आज उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और ये कामना की है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही ये हम सब ने प्रार्थना की कि जैसा उन्होंने उनका कृतित्व था जैसा उन्होंने देख अपना देश समाज के लिए जो काम किया अपने भारत के लिए मेडल लिया है ऐसे खिलाड़ियों को उनके विचारों से उनके कृतित्व से अपना प्रेरणा लेनी चाहिए और वो आगे इस तरह से अपने भारत में और मेडल आए। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से 3 वर्ष पूर्व उनके पास गए थे और जब वो उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ था वो हम लोग को अपने बीच में पाके बहुत प्रफुल्लित हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि देश समाज के लिए और कुछ करूँ लेकिन मेरा स्वास्थ्य अब नहीं गवाही देता और आप लोग आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भारत गौरव राष्ट्रवंदन समिति ने उनको जगन नारायण त्रिपाठी पूर्वांचल गौरव सम्मान से उनके घर जाके सम्मानित किया था। आज हम सब लोग आज बहुत दुख में हैं कि आपका आज 82 वर्ष की उम्र में 2-3 दिन पहले उनका निधन हुआ। आज हम लोग यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेट्रोल पंप दिलाने डीजल राशन कार्ड व नौकरी दिलाने के नाम पर 1,38,78,641 रुपए ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों मोहित कुमार गुप्ता और सुभद्रा नंद गुप्ता को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। गुरुवार को बसंतपुर में घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर बदमाश ने की लूटपाट। घर में रखा जेवर लेकर हुआ फरार। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा तहरीर के आधार पर की जा रही है छानबीन, जल्द होगी अभियुक्त की गिरफ्तारी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद के प्रगतिशील किसानों को किया गया सम्मानित। कहा चौधरी चरण सिंह किसानों के थे हितैषी। दो वांछित साथी चोरों हनुमान व पवन कुमार उर्फ सन्नी के घर पर बांसगांव थाने के पुलिस ने कुर्की का नोटिस किया चस्पा। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर पर जनपद स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। शासन की महत्वाकांक्षी योजना एवं परियोजनाओं को आम जनता तक सुगम और सरल तरीके से पहुँचाने पर हुई चर्चा। शंभुनाथ के घर में बालकेश नाम के व्यक्ति ने घुसकर चोरी करने का किया प्रयास। परिजनों के जागने पर चोर ने 2 मंजिला छत से लगाया छलांग, हुआ गंभीर रूप से घायल। मामला पिपराइच थाना क्षेत्र का। सूचना मिलने पर पुलिस ने चोर को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। एसपी नॉर्थ ने कहा अभी तक किसी पक्ष से नहीं प्राप्त हुई है तहरीर। तहरीर मिलने पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराओं के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी का किया गया आयोजन। सिबेश सिंह बने मिस्टर फ्रेशर, वहीं शिवानी जायसवाल बनी मिसेस फ्रेशर। मुख्य अतिथि श्रीमती अंशु सिंह प्रबंधक एवं ब्लॉक प्रमुख खजनी ने कहा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शिक्षण संस्था में है महती भूमिका। गौ तस्करी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों दीपक सैनी व सूरज पाल के ऊपर गीडा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने दी जानकारी। ठंड को देखते हुए आपदा विभाग द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का किया जा रहा है वितरण। आपदा अधिकारी ने कहा अभी तक 3,000 जरूरतमंदों में कंबल का किया जा चुका है वितरण। सभी तहसीलों को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कंबल वितरण करने के लिए दिया गया है निर्देश। किसान दिवस पर सपाइयों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा भूमि हदबंदी कानून को लागू करना उनके कार्यकाल की रही प्रमुख विशेषता। महात्मा गांधी कॉलेज में वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। बालक वर्ग में आयुष यादव तथा बालिका वर्ग में करिश्मा चौहान बनी ओवरऑल चैंपियन। कहा पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है बहुत जरूरी।
ट्रैफिक व्यवस्था को सकुशल बनाने के लिए त्रिनेत्र अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सीओ ट्रैफिक की अध्यक्षता में बैठक हुई। संपन्न ने कहा, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाने के लिए जनमानस को करे जागरूक। और 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य रहे सैयद अली शहीद के निधन पर राष्ट्रबंधन समिति ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी, उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, देश की हॉकी के मजबूत स्तंभ रहे लेफ्ट विंगर फॉरवर्ड सैयद अली शहीद। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।